नमस्कार दोस्तों, संध्या कुमारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारा प्यार मिले और ये त्यौहार खुशी खुशी मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए। तो दोस्तों, आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर खाना नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्या बना है, वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साक्षी नहा चुकी है। देखिए, साक्षी नहा चुकी है और जो कि ये खा वो बीत चुकी है। क्या खाए हो साक्षी? मैं खाई हूँ पकौड़ी और चाय। और चाय पी है, पकौड़ी बनी थी और भी पालक की, जो कि खाना नहीं बनाया और आज खाना बनेगा भी नहीं, क्योंकि कहीं पे पार्टी है। तो वहीं पे मतलब सब जाएंगे खाने के लिए, मतलब तो इसलिए खाना नहीं बना है। दोस्तों, क्या क्या बना है हम आप लोग के दिखाते हैं, जो कि साक्षी खा चुकी है और हम मतलब नहीं खाए हैं अभी। तो अभी हम काम कर रहे थे तो अभी हम आप लोग के दिखाते हैं। मतलब आज के दिन दाना ना खाते हैं। तो साक्षी खा चुकी है, सवेरे ही नहा चुकी और अभी अपने सहेली के साथ मतलब खेल रही थी। साक्षी, दोस्तों से हाय नहीं बोली। हाय गाइस, आप लोग कैसे? अच्छे होंगे? तो आज त्योहार है, आप लोग खुशी खुशी ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारा प्यार मिले, तो ये त्योहार आप खुशी खुशी मनाइए ना। yes. सब लोग। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साक्षी खा रही है। देखिए, यही सब बना हुआ था हमारे घर, जो कि खाना नहीं बना है। तो देखिए, साक्षी खा रही है, सुबह भी खाई है और अभी खा रही है। लीजिए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। वही खिलाओगी? पकौड़ी खिलाओ, ये भी खा लीजिए। तो खा लीजिए दोस्तों, आप लोग के घर तो अच्छा अच्छा बना हुआ है, हमारे घर तो इतना अच्छा नहीं बना है। तो जो है वो साक्षी खिला रही है, तो आप लोग खा लीजिए। तो दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, जो कि कल से और आज, मतलब कल आज धूप निकली है, अच्छी धूप है, जो कि इतनी ठंडी पड़ रही थी, धूप भी नहीं निकल रही थी, सब बहुत परेशान हो गए थे, कपड़ा भी नहीं सूख रहा था। तो आज धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है, सब लोग नहा रहे हैं, नहा धो रहे हैं। तो आप लोग को हम दिखाते हैं धूप कितनी अच्छी निकली है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप निकली है, देखिए बहुत अच्छी धूप निकली है। आज त्योहार भी है, देखिए। धूप नहीं निकल रही थी, कभी कभी तो मतलब बिल्कुल ऐसे कोहरा मतलब छेक लेता था, जबकि घर में से कोई निकल ही नहीं रहा था, कहीं जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, इतनी ठंड लग रही थी सबको। लेकिन 2 दिन से अच्छी मतलब धूप निकल रही है, तो मतलब काम धंधा में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सबको, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती थी नहाने धोने में। तो आप लोग को तो मैं दिखाई दी हूँ, लेकिन नहाने धोने में तो बहुत जने की इतना प्रॉब्लम होती थी कि 2-3 दिन के बाद नहाते थे, इतनी ठंड पड़ रही थी। गांव में बहुत ज़्यादा ठंड मतलब पड़ रही है, अब 2 दिन से तो अच्छा मौसम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी गांव में। तो दोस्तों, आज त्यौहार है, तो आप खुशी मन से अच्छे से आप लोग त्यौहार मनाइए और कोई बात उल्टा सीधा
मत बोलिए और खुशी खुशी से मनाइए दोस्तों। और क्या बोलें तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग बस इतना सही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन बटन दबाना भूलना मत दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर आप लोग क्यों हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आगे बढ़ें। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।